गुड इवनिंग एवरीवन। तो इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा भाई मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब मेंडल ने एक गुण का अध्ययन जब किया था तो किस प्रकार गुण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हुए थे, और उसमें हमने पढ़ा था कि उनमें फिनोटाइप का जो रेशो आया था, अनुपात जो आया था वो 3:1 था, और जीनोटाइप का जो अनुपात आया था वो 1:2:1 होता है। जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, ये मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ, वो देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि एक साथ दो गुणों का अध्ययन करेंगे, कि मेंडल ने दो गुणों का एक साथ अध्ययन किया, दो गुणों को सिलेक्ट कर लिया, दो गुण कौन से, जैसे उसने ले लिया बीज का रंग और बीज की आकृति, मतलब एक बीज, एक पौधा ऐसा ले लिया जिसमें बीज क्या है, गोल है, ठीक है, और उस बीज का रंग है कैसा, पीला, ठीक, पौधा लिया उसने ऐसा, मान लो ये पौधा ले लिया और इस पौधे पे जो बीज लगे थे वो गोल थे और पीले थे। फिर एक पौधा उसने ले लिया जिसपे बीज जो लगे थे वो झुर्रीदार और हरे थे। अब दो गुण एक साथ लिए, एक तो बीज की आकृति होगी और बीज का रंग भी होगा, अब इनका अध्ययन करके देखेगा कि क्या होगा, तो देखते हैं। चलो, जिस प्रकार उसने लिया क्या, पीला तथा पीला और गोल बीज ले लिया, किसके साथ संकरण करवाया, एक हरे तथा झुर्रीदार, हरा और झुर्रीदार बीज, जैसे कि मैंने बता दिया गोल बीज, गोल राउंड बिल्कुल, और पीले रंग का ये एक दूसरा पौधा जिसमें बीज क्या है, ऐसे हैं झुर्रीदार और हरे हैं। F1 जनरेशन, जब ये तो जनक हो गए, जनक क्या बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे, युग्मक का निषेचन होगा। F1 जनरेशन में पहली पीढ़ी में फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F1 का मतलब क्या है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है। तो F1 पीढ़ी में क्या होंगे, इनमें से कोई एक ही के गुण दिखाई देंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम पढ़ चुके हैं कि इनमें से किसी एक के ही गुण दिखाई देंगे, तो इसके जो इनमें से डोमिनेंस होगा वही दिखाई देगा। तो F1 पीढ़ी में सारे के सारे पीले तथा गोल बीज मिलेंगे, और जब F1 पीढ़ी सौ परागण करेगी तो अगली पीढ़ी में F2 में क्या मिलेंगे, दोनों के मिले जुले गुण मिलेंगे। लेकिन याद रखना, अब अनुपात 3:1 नहीं आएगा, कभी ये समझो कि 3 तो मिलेंगे पीले और गोल, और 1 मिलेगा हरा तथा झुर्रीदार, क्यों, क्योंकि भाई अब गुण का अध्ययन वो एक का नहीं कर रहा, अब वो दो गुणों का अध्ययन कर रहा है। तो कैसे होगा, किस प्रकार वो गुण दिखाई देंगे वो हम देख लेते हैं, जीनोटाइप से मतलब क्रॉस करवा के देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि राउंड येलो, कैपिटल R कैपिटल Y, ये वो पौधा है जिसके बीज राउंड, R मतलब राउंड के लिए, Y मतलब येलो के लिए, ये वो पौधे का जीनोटाइप है जो पौधे में बीज गोल तथा पीले हैं। इसका संकरण किसके साथ करवाया उसने, वो पौधे के साथ जिसके बीज झुर्रीदार, मतलब स्मॉल आर का मतलब है झुर्रीदार और स्मॉल वाई का मतलब क्या है, ग्रीन, ठीक है, उन पौधे के साथ संकरण करवाया। ये तो हो गए दोनों क्या, जनक, किसी को मादा मान सकते हो, किसी को भी नर मान सकते हो। अब क्या बनाएंगे, ये युग्मक बनाएंगे भाई, ठीक है, अब युग्मक बनाएंगे, तो ये युग्मक बनाएंगे, ये तो आधे आधे हो जाएंगे, तो एक युग्मक में ये दोनों आर में से आधे, एक आर दूसरे में जाएगा, एक वाई जाएगा, तो ये एक युग्मक में जाएंगे और दूसरे ये एक युग्मक में जाएगा, ऐसे ही इसमें आर वाई और आर वाई, तो ये युग्मक बन जाएंगे। अब जब निषेचन होगा तो इनमें से जब ये इसके साथ निषेचन करेगा या ये इसके साथ करे,
कोई शख्स किसी के साथ भी करे, सभी में एक ही कंडीशन आनी है, क्या? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यही आएगी। मतलब ये क्या है, पहली जनरेशन होगी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। और ये कैसे होंगे, देखो आर है और हम पढ़ चुके हैं कि एक प्रभावी होता है, मतलब कैपिटल आर छोटे आर पे प्रभावी होगा, और कैपिटल आर के कारण कैसा होएगा, ये राउंड होएगा ना, गोल। और कैपिटल वाई छोटे वाई पे प्रभावी होगा, और कैपिटल वाई के कारण कैसा होगा, पीला होगा, तो गोल तथा पीले। सारे के सारे पहली पीढ़ी में कैसे दिखाई देंगे, गोल तथा पीले दिखाई देंगे। अब एफ टू पीढ़ी के लिए इनकी होगी सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब क्या है, कंफ्यूज मत होना सेल्फिंग से। सेल्फिंग का मतलब ये पौधा जो है ये स्व परागण करेगा, मतलब उसी में नर है उसी में मादा है, नर का भी जीनोटाइप है और मादा का भी है, तो हम अलग अलग लिख लेंगे इसको। तो नर क्या होगा, नर भी हो गया और मादा भी यही होगी, कोई हो गया ना। अब जब ये गैमेट बनाएगा इनमें से, जब ये गैमेट बनेंगे तो गैमेट किस प्रकार बन सकते हैं, देखो कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कौन कौन से बन सकते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये चार प्रकार के गैमेट बन सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि ये चार प्रकार के गैमेट बना सकता है। अब ये भी चार प्रकार के गैमेट बना सकता है ऐसे ही, बात समझ में आई, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, कैपिटल आर ये लिख लिया भाई हमने, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये गैमेट बनाएगा ये, और ऐसे ही गैमेट बनाएगा ये भी। अब उनके निषेचन में क्या मिल सकता है वो देखने के लिए हम एक चार्ट बना लेंगे। कैसा चार्ट, देखो इस साइड हम लिख लेंगे एक पेरेंट का गैमेट्स, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर लिख लेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ऐसे ही साइड है कैपिटल आर, ये इसके गैमेट्स होंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है भाई, बात समझ में आई। ये दोनों पेरेंट्स के गैमेट्स बनने की पॉसिबिलिटी है। अब अगर ये इसको निषेचित करता है तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये इसके साथ करता है तो कैपिटल आर कैपिटल आर वाई, ये बनेगा, ये इसके साथ ये हो गया, ये इसके साथ 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 आएगा आर आर वाई वाई, ये इसके साथ आर आर वाई वाई और ये इसके साथ आर आर, ठीक है, ये इसके साथ, ये इसके साथ करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये इसके साथ स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब देखो ये जीनोटाइप हमें प्राप्त होंगे एफ टू जनरेशन में। अब इनमें से देखो ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, गोल तथा पीला, ठीक है, गोल तथा पीला, ये भी गोल तथा पीला, मतलब जी पी लिख दिया मैंने, गोल तथा पीला, ये भी गोल तथा पीला जी पी, ये भी गोल तथा पीला जी पी, ये भी गोल तथा जी पी,
और ये मिलेगा, देखो ये गोल तो होगा लेकिन स्मॉल वाई है तो हरा होगा, मतलब जी एस लिख दिया मैंने, गोल्ड तो था हरा, और ये क्या होगा, गोल्ड तो था पीला, ये कैसा होगा, गोल्ड तो था हरा, ये कैसा होगा, गोल्ड तो था पीला, ये होएगा गोल्ड तो था पीला, ये होएगा भाई गोल नहीं होएगा, ये होएगा कैसा, झुर्रीदार, झुर्रीदार मतलब झुर्रीदार तो था जेपी लिख दिया मैंने, झुर्रीदार तो था पीला, और ये कैसा होगा, झुर्रीदार तो था पीला, ये कैसा होगा, गोल्ड तो था पीला, ये गोल्ड और हरा, ये झुर्रीदार तथा पीला, और ये कैसा होगा, झुर्रीदार तथा हरा। ठीक है भाई, अब काउंट करो, देखो गोल्ड पीले कितने हुए, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और नौ, नौ हुए गोल्ड तथा पीले, और गोल्ड हरे कितने हुए, देखो एक दो और तीन, तीन हुए, उसके बाद देखो झुर्रीदार तथा पीले ये कितने हुए, ये भी तीन मिलेंगे, और झुर्रीदार तथा हरे ये मिलेंगे एक। मतलब क्या, अगर हम दो गुणों का अध्ययन एक साथ करते हैं तो F2 में दूसरी जो पीढ़ी होती है उसमें अनुपात आएगा 9:3:3:1, डाई हाइब्रिड क्रॉस में अनुपात आएगा 9:3:3:1। ठीक है भाई, जो हमने किया था एकल संकरण, मतलब एक गुण का अध्ययन किया था जिसमें जिसमें पौधे की सिर्फ लंबाई ली थी, उसमें जब अध्ययन किया था उसमें सिर्फ हमें प्राप्त हुआ अनुपात 3:1, यहाँ पे अनुपात प्राप्त हुआ 9:3:3:1। ठीक, अब इसमें एक बात देखने वाली है, क्या देखने वाली है, जब हमने क्रॉसिंग करवाई मतलब जब एक गुण का अध्ययन किया तो उसमें तो तीन तो मिले लंबे और एक बोना, लंबा और बोना ये तो हमारे पास पेरेंट्स थे मतलब जनक थे, कोई नया गुण नहीं आया। इसमें देखो गोल और पीले हमने ये माता पिता गोल तथा तो पीले लिए, हरे तथा झुर्रीदार भी लिए, हरे और झुर्रीदार मिले, लेकिन ये जो तीन बीच के आए ऐसे तो हमारे पास पेरेंट्स ही नहीं थे, जनक ही नहीं थे, तो ये तो कुछ नए ही पौधे प्राप्त हो गए हमें। ठीक है, झुर्रीदार गोल तथा हरे नया ही कॉम्बिनेशन मिल गया, और झुर्रीदार तथा पीले एक नया कॉम्बिनेशन मिल गया। इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि ये जो गुण है मतलब देखो गोल हरे के साथ चला गया, झुर्रीदार जो था वो पीले के साथ चला, यहाँ पे झुर्रीदार हरे के साथ था गोल पीले के साथ था, लेकिन गोल हरे के साथ चला गया, झुर्रीदार हरे के साथ था झुर्रीदार पीले के साथ चला गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि जो ये रंग गोल वाले जो जीन है वो पीले के ऊपर डिपेंड नहीं है, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये अपने आप आसानी से किसी भी दूसरे के साथ चले जाएंगे, मतलब इनमें क्या है, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट है, मतलब स्वतंत्र संकलन का नियम का मतलब है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, मतलब आसानी से अलग अलग हो सकते हैं। जैसे गोल और पीला हमने लिया था, ऐसा नहीं है कि गोल और पीला हमेशा गोल पीले के साथ ही रहेगा, गोल तो देखो हरे के साथ भी चला गया, लिया था पीले के साथ लेकिन यहाँ पे हरे के साथ, तभी तो हमें गोल हरे नए पौधे प्राप्त हुए, ऐसे झुर्रीदार तथा पीले तीन नए पौधे प्राप्त हुए, तो ये तो जीन है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक गुण के जो जीन है वो आत्मनिर्भर है, मतलब वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते, ये इसके ऊपर निर्भर नहीं है कि हमेशा ये इसी के साथ चिपका रहेगा, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट है, मतलब ये आसानी से किसी दूसरे के साथ चला जाएगा, इसी को बोलते हैं स्वतंत्र संकलन का नियम। लेकिन यह नियम भी लागू नहीं होता, मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, ये बहुत हद तक तब लागू होता है जब जीन
दूर दूर होते हैं, मतलब या ये कह लो कि अलग अलग गुणसूत्रों पे होते हैं, तब ये लागू होता है। बाकी बहुत सारे गुणसूत्र ऐसे हैं जिनमें जीन बहुत क्लोज होते हैं, एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक होते हैं, उनमें ये लागू नहीं होता। कहने का मतलब सीधा ये कह दो कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। बस टेंथ क्लास में आप ये याद रखना कि ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, मतलब दो गुणों के लिए जो संकरण करवाया है वो कैसे आएगा और उसमें अनुपात क्या निकल के आता है, इसकी जो डिटेल स्टडी है वो हम बाद वाली क्लासों में पढ़ते हैं, बड़ी क्लासेज में, ठीक है, वो 11th 12th में। तो आज के लिए इस वीडियो में हमने इसमें पढ़ा सिर्फ डाई हाइब्रिड क्रॉस, मतलब दो गुणों का अध्ययन, जब दो गुणों को एक साथ स्टडी किया मेंडल ने, जैसे लिया उसने राउंड और येलो दो गुण ले लिए, तो दो गुणों का जब संकरण करवाया तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का संकरण किस प्रकार हुआ, स्थानांतरण किस प्रकार हुआ है वो करके दिखा दिया। और इससे हमें क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ, इससे हमें एक रिजल्ट प्राप्त हुआ कि जो जीन होते हैं जब हम दो गुणों का अध्ययन एक साथ करते हैं तो वो दो गुण कभी भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो आसानी से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, ये बात याद रखना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।